पलक झपकाते रहें ताकि अगर जितनी नमी है आंख में वो नमी बरकरार रहे। एंटीबैक्टीरियल आई ड्रॉप का प्रयोग, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का प्रयोग करें, इन सबसे बचें ताकि ये मौसम बदलाव का आप पे आंख पे असर ना पड़े। और हम गार्जियन लोग जो है बच्चे बदमाशी किए उसके हाथ में फोन थमा लिया, अपनी शांति, अपनी शांति और अपनी चैन के लिए बच्चों का भविष्य और आंख से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। चश्मा हटाने का हम लोग लेजर वगैरह करते हैं, लेसिक लेजर से चश्मा हटाने की सर्जरी की जा सकती है जिसमें हम पुतली के आकार चेंज करके हम चश्मा हटाते हैं। मोतियाबिंद में लेंस जो हमारा है वो जो लेंस ट्रांसपेरेंट होता है जिसे हम देखते हैं, जैसे वो कैमरा है ना, आँख भी एक प्रकार का कैमरा है, कैमरा में भी लेंस होता है, हमारे आँख में भी लेंस है। वही लेंस जब ओपेक हो जाए, ट्रांसपेरेंट नहीं रहे, रेज नहीं जा सकता है, तो वो कैटरेक्ट हो गया। नमस्कार, मैं सुरभि सिंह, आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। आज के हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की बातें और साथ ही करेंगे उसका समाधान। मौसम चेंज हो रहा है और बदलते मौसमों में हम अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखें, क्योंकि जरा सी चुभन होने के साथ ही हम बेचैन हो उठते हैं। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना ही नहीं बिहार के बल्कि जाने माने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील। तो डॉक्टर, आज के हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद सुरभि जी और एचडी न्यूज डिजिटल मीडिया के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि बदलते मौसमों से हमने शुरू किया, तो हमें अब मौसम चेंज हो रहा है, तो इसमें हमें अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखना चाहिए? निश्चित ही सुरभि, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि बदलते मौसम में आंखों का ख्याल कैसे रखें। इस बदलते मौसम में तो एक तो आप देखेंगे कि ये विंडी, ड्राई विंडी एटमॉस्फेयर है, सूखापन है और विंडी हवादार है, और हमने सुना है कि गर्मी में सूखा और ईचिंग भी बहुत ज़्यादा होने। तो ये जो ड्राई विंडी एटमॉस्फेयर है, दूसरी बात क्या है कि अभी मौसम का बदलाव हुआ है, तो एक तो ड्राई वेदर में आँखों में सूखापन, नमी कम होता है, तो सूखापन होता है ड्राई वेदर में, और इस विंडी वेदर में जो है, विंडी वेदर में आपके आँख में धूल भरी आंधी चलती है, तो आँखों में फॉरेन बॉडी जाने का चांसेस है, धूल कण जाएंगे, कुछ निकल जाएंगे, कुछ नहीं निकल सकते हैं। तो आपके आँख में अगर धूल कण जाए तो आप उसको पानी से खूब धोइए। ओके डॉक्टर। इसके बाद भी अगर उसमें कुछ धूल कण रह जाए, आँखों में रड़क रहे, तो हो सकता है वो नहीं निकला हो, नेत्र चिकित्सक के यहाँ जाके फॉरेन बॉडी निकलवा लें बचाव के लिए। ये धूल भरी आंधी में आप अगर चश्मा पहनते हैं तो चश्मे का प्रयोग जरूर करें, और नहीं चश्मा पहनते हैं तो बाहर निकले तो धूप चश्मा ले लें, बड़े फ्रेम का ले लें ताकि आंखों का बचाव रहे। इसके अलावा सूखापन, सूखापन होता है तो सूखापन के लिए फिर आप पानी से हाथ धोते रहें, और इसके साथ सूखापन पानी धोते रहें, और इतना ही नहीं, आप अगर नमी, जैसे आपको अगर सोशल मीडिया पर और लैपटॉप और कंप्यूटर पर ज़्यादा रहने का अगर है तो इसको थोड़ा कम करें, पलक झपकाते रहें ताकि अगर जितनी नमी है आँख में वो नमी बरकरार रहे। लगातार अगर सोशल मीडिया पर या डिजिटल मीडिया पर आपका काम है, ऑनलाइन काम है, तो लगातार अगर है तो उसको बीच बीच में आप ब्रेक कर दें, तो इससे आपके नमी, इससे भी बात नहीं बने तो आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप, टीयर ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे, इसके अलावा अगर जो बदलते मौसम में, बदलते मौसम में आँखों में इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, एलर्जी, एलर्जी होगा, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि इस वक्त में आप देखते हैं कि कहता ठंडा लग गया, ये लग गया, तो वायरल इन्फेक्शन होगा, एलर्जी हो सकती है, तो एलर्जी के लिए ईचिंग होगा तो पानी से हाथ धोएं और एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप का प्रयोग करें। इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया का आप एंटी बैक्टीरियल आई ड्रॉप का प्रयोग, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का प्रयोग करें, तो इन सबसे बचें ताकि ये मौसम बदलाव का आप पे आँख पे असर ना पड़े। जैसा कि आपने सोशल मीडिया की बात की, तो आज के टेक्निकल जमाने आ गए, इसमें हमें ज़्यादातर काम अपने लैपटॉप फ़ोन पे करना पड़ता है, और जो यंग यू हैं, जिनकी फिट आँखें, उनके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देनी चाहेंगे कि हम कैसे इससे बचें, अपनी आँखों को कैसे फिट रखें? देखिए, आधुनिक युग में लैपटॉप, कंप्यूटर, फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा है, चाहे वो नौकरी करते हों उस तरह का, इतना ही नहीं, बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई, और कोरोना काल में तो पूरा ऑनलाइन ही होने लगा सारा एक्टिविटी, तो ये तो आपके जीवन का अंग है।
लेकिन इसके आंखों पे नुकसान होते हैं, होते हैं। तो उससे बचना है बिल्कुल, तो इस्तेमाल भी करना है। तो कंप्यूटर लैपटॉप डिजिटल मीडिया का है, तो इसके लिए कंप्यूटर एटिकेट जरूरी है। तो एक तो जो स्क्रीन है, स्क्रीन का शार्पनेस ब्राइटनेस कंट्रास्ट को आप आई फ्रेंडली रखें। अगर चश्मा पहनते हो तो चश्मा में एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग जो ब्लू कट कहते हैं, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग हो जाए, वो रेजिलेंस हो जाए, ब्लू कट हो जाए, ताकि आई में प्रोटेक्शन हो। इसके अलावा अगर पढ़ाई ऑनलाइन करते हैं आप, तो एक बात मान लें कि अगर आपके पास पढ़ने का मटेरियल ऑनलाइन भी है और प्रिंटेड भी है, तो प्रिंटेड इस्तेमाल करें, प्रिंटेड, क्योंकि जो कंट्रास्ट होता है, अगर आप स्क्रीन पर रहते हैं तो कंट्रास्ट सेंटर पेरिफेरी, सेंटर पेरिफेरी में कंट्रास्ट डिफर करता है। तो आपके आई से अगर आप देखते हैं तो आई को फोकस डिफोकस, फोकस डिफोकस करना पड़ता है, जिससे कि आई के मसल्स में ज़्यादा जोर लगता है और आपकी आँखों में दर्द और भौं के पास दर्द होता है। अगर आप जैसे प्रिंटेड मटेरियल है तो उसमें कंट्रास्ट एक तरह का होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है तो ऑफलाइन क्लासेस करें, चूज करें। अगर पढ़ने का मटेरियल आपके पास और प्रिंटेड भी है तो प्रिंटेड का इस्तेमाल करें। दूसरा कि आप सोशल मीडिया अन्य काम को जरूर करें, लेकिन अगर करना हो तो बीच में ब्रेक दे दें, हर एक घंटे के बाद आप पानी से हाथ धोएं और आँख को दो मिनट तक बंद रखें, आई को रेस्ट दें। और अगर जरूरी नहीं है तो लगातार सोशल मीडिया पर, स्क्रीन पर अन्यथा न रहें, आँख के लिए नुकसानदेह है। और इसके साथ ही आप देख लें कि आप अगर कंप्यूटर पे आप रहना चाहते हैं, आप कंप्यूटर के बात में, तो आप इसमें दो, आपके जो ब्लिंकिंग रेट है, नॉर्मली आई का ब्लिंकिंग रेट 16 से 20 प्रति मिनट होता है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया और फ़ोन पर रहते हैं तो आपका आँखें खुली रहती है, आप काम करते हैं, तो आपका ब्लिंकिंग दर, पलक झपकाने का दर घट के 4-5 हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो आंखों में आंसू है वो नमी नहीं रख पाता है, वो सूखापन होता है, तो उसको ड्राई आई सिंड्रोम कहते हैं। इसीलिए आप अगर कंप्यूटर पर लंबे देर तक काम करना हो तो उस कंप्यूटर पे आप कॉन्शियस ब्लिंकिंग, जानबूझकर पलक झपकाते रहें। और मैंने कहा है कि एक घंटे पर गैप ले लें और आँख बंद रखें, इससे भी आर्द्रता और नमी उसकी बरकरार रहेगी। तो ड्राई आई सिंड्रोम, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, इसके अलावा बच्चों में जो आदत हो गई है, तो बच्चों से मेरा क्वेश्चन था कि मतलब आजकल के बच्चे कम एज में 5 से 6 ईयर में उनको चश्मे लग जा रहा है, तो इसके लिए उनके पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों के आँखों का ख्याल रख सके? देखिए, चश्मा लगने का कारण तो एक है कि हमारे आप में एक जागरूकता आई है, और हम बच्चों को भी नेत्र चिकित्सक के ले जाते हैं और जांच करके उसे कराते हैं। पहले ये चीज़ें आम बात नहीं थी, नहीं। जब बच्चे तकलीफ बताया करते थे तो डॉक्टर वहाँ पर ले आया करते, या आनाकानी करते, बदमाशी करता है, ये करता है। आजकल हमारे में जागरूकता हो गई है। इसके अलावा सरकार का और हम प्राइवेट चिकित्सक भी निःशुल्क स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम करते हैं, स्कूल स्कूल में जाकर बच्चों का आँख जाँच करते हैं, क्योंकि एक जो बीमारी होती है एम्ब्लायोपिया, वो अगर 9 वर्ष के पहले बच्चों में डिटेक्ट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और 9 वर्ष के बाद हो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत उनकी एक आँख की रोशनी कम नहीं कर सकती है। एम्ब्लायोपिया में क्या होता है कि एक आँख तो ठीक रहता है और एक आँख में रोशनी कम हो जाती है, जो कितना भी चश्मा देने पर रोशनी अब नहीं आ सकती है। गलती क्या हुई, तो 9 वर्ष के पहले उस आँख को चश्मे की ज़रूरत थी, हम लोगों ने आँख डॉक्टर नेत्र चिकित्सक के पास नहीं गए, चश्मा नहीं, जांच नहीं कराए, चश्मा नहीं दिए, वो आँख कमज़ोर हो गया। अब किसी कारण से वो आँख में अब आखिर उस ताकत नहीं आ सकता है। इसलिए 9 वर्ष के बच्चों के पहले, 9 वर्ष के पहले बच्चे तकलीफ नहीं भी बताए, क्योंकि एक आँख उनका काम करते रहता है तो बच्चे तकलीफ नहीं बताएंगे, नहीं वो नहीं बताएंगे। तो आप खुद भी जा करके वहाँ पर बच्चों की तकलीफ बताए ना बताए, आप वहाँ जाइए और जाकर के नेत्र चिकित्सक से मिल लीजिए। इसलिए हम लोग स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम करते हैं। तो स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम से क्या होता है कि बच्चों में जो नेत्र में समस्याएं हैं वो कभी कभी नहीं कि बच्चों गार्जियन को बता पाते हैं, तो हम लोग स्वतः उस बात को जान जाते हैं, इसलिए भी चश्मा ज़्यादा लग रहा है। लेकिन केवल बात यहीं तक नहीं रहती है, बच्चों का आजकल देखते हैं कि सोशल मीडिया और फोन, काफ़ी, और फोन टीवी भी बहुत, आप और हम गार्जियन लोग जो है, बच्चे बदमाशी किए उसके हाथ में फोन थमा दिया, अपनी शांति, अपनी शांति और अपनी चैन के लिए बच्चों का भविष्य और आँख से आप खिलवाड़ कर रहे हैं।
ये उचित नहीं है। ये चीज़ें बच्चों को आप वीडियो गेम दे रहे नहीं, बच्चों के आदतें बनाइए, अन्यथा बच्चों को ये नहीं कराइए। ठीक है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कोरोना काल था, उसके होमवर्क होम टास्क फ़ोन पे आया करते थे, तो अगर फ़ोन पे आते हैं तो आप घर में हैं, घर में आपको सुविधा है तो उसका प्रिंटआउट निकलवा लीजिए। सुविधा नहीं है तो इससे कराइए, कम से कम कराइए, आदत नहीं डलवाइए। आप प्रिंटआउट निकालिए, उसका निकालिए, करिए बुक से करिए, या आपको बोलिए वहाँ से आया ऑनलाइन आया, अब तो वो बातें नहीं है, ऑनलाइन आया तो आप प्रिंटआउट करिए निकालिए। तो उसको बच्चों में ये करने का दूसरा कि जो सोशल मीडिया पे बच्चे रहते हैं या कोरोना काल का देख लें तो आउटडोर एक्टिविटीज़ इनके कम होते जा रहे हैं। बच्चे घर में सोशल मीडिया पर रहेंगे तो उस पर ऐसे से करते रहेंगे और बगल में चिप्स खाते रहेंगे तो बच्चों की ओबेसिटी होता है, फैलते का टेंडेंसी होता है, फिजिकल एक्टिविटी कम होता है, न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस होता है, वाइटमिन्स मिनरल्स कम मिलते हैं, चूँकि हरी पत्तेदार सब्जी खाएंगे नहीं, फल खाएंगे नहीं, पिज़्ज़ा बर्गर मैगी खाएंगे वही खाएंगे, और गार्जियन को भाई की शांति से रहो, बगल में ऐसे वैसे करते रहो, बगल में चिप्स खाया, ये तो हुआ। दूसरा क्या है कि फ़ोन पे या डिजिटल चीज़ पे रहने पर, स्क्रीन टाइम पर रहने पर बच्चों में उनकी मानसिक भी दिक्कतें आती हैं, मानसिक भी दिक्कतें आती हैं, और मानसिक दिक्कत के साथ अगर ये देखा जाए उनको चिड़चिड़ापन आ जाएगा, सरदर्द की शिकायत आ जाएगी बच्चों में। तो इन सब बातों को देखते हुए अगर देखना होता है कि बच्चों में सोशल मीडिया का प्रयोग कम करें, अगर ऐसी आती है उनके खान पान का ख्याल रखें, फिजिकल एक्टिविटी कराएं, और उसमें पोस्चरल डिफॉर्मिटी भी, क्योंकि वो जब सोशल मीडिया पर रहते हैं तो ऐसे करके रहते हैं तो गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द होता है, तो बच्चों के साथ आप ये सब ध्यान दें ताकि बच्चों के आँख बनी रहे। तो डॉक्टर ने बताया किस तरह आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, तो डॉक्टर के सलाह का पालन करें। और मेरा डॉक्टर अगला क्वेश्चन था कि बहुत से लोग आजकल चश्मा नहीं लगाना चाहते क्योंकि सोचते हैं कि दाग हो जाएगा, बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, इसकी वजह से वो लेंस लगा लेते हैं, तो मैं अपने दर्शक जानना चाहेंगे क्या इस लेंस का भी साइड इफेक्ट होता है? देखिए, दृष्टि दोष सबसे ज़्यादा जो होती है वो दृष्टि दोष होता है, हाँ, अंधत्व का कारण, और ये बड़े आसान चश्मों से करेक्शन हो जाता है। हाँ, ग्लासेस आर द बेस्ट ऑप्टिकल करेक्शन, चश्मा सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन चश्मे का पावर मान लीजिए इतना ज़्यादा मोटा है या इतना ज़्यादा है कि वो देख वो कि उसके बिना दिखाई नहीं दे, या वो शादी विवाह करना चाहती है कोई लड़की है तो चश्मा मोटा खराब लगता है, या चश्मा के फ्रेम से एलर्जी हो, या चश्मा वो नहीं पहन पाता हो, शौक दाग हो जाते हैं। हाँ, नहीं, तो ये तो शौक की बात नहीं है, अगर शौक की बात है तो हम कन्विंस करेंगे कि आप चश्मा लगाएं, सबसे अच्छी बात है चश्मा, लेकिन जिस कंडीशन में हमने बताया, फ्रेम सूट नहीं करता हो, फ्रेम से एलर्जी हो, आंखों में दर्द करता हो ये चश्मा लगाने से, और चश्मा का मोटा हो, तो ऐसे लोगों में हम कॉन्टैक्ट लेंस एडवाइज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सेफ नहीं है। कंटैक्ट लेंस इज फॉरेन बॉडी ओवर द आई, उसके अपने मेंटेनेंस होते हैं, उसको लेके साफ कर एक सर्टेन टाइम के बाद नहीं पहनना है, पहनने के तरीके हैं, लगा के रोना नहीं है, सोना नहीं है, तो अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो आप ये लगाएं, वरना शौक के कारण कॉन्टैक्ट लेंस ना लगाएं। कॉन्टैक्ट लेंस के अपने साइड इफेक्ट होते हैं, वो आँखों में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ये कुछ एक कंडीशन होते हैं जिसमें कि चश्मा नहीं पहन सके, उसमें आप कर सकते हैं, कुछ कॉस्मेटिक पर्पस के लिए आते हैं, तो वैसे में पेशेंट का कन्विक्शन और पेशेंट की ट्रेनिंग, उनको इस बात की गंभीरता बता दी जाती है कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से ये सब दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए आप ऐसे कॉन्टैक्ट लेंस मेंटेन करो। अगर आप देखेंगे कि वैसे लोग जो कि इस बात को मेंटेन कर लेंगे, उसमें वैसा मोटिवेशन है, तो हम लोग उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं। डॉक्टर, मेरा चश्मा से ही क्वेश्चन था कि चश्मा एक बोला जाता है कि एक बार किसी को लग जाए तो उतर नहीं सकता है, जो कमजोर नज़र वाला है, तो क्या कुछ ऐसा प्रोसीजर है कि उनके चश्मे को मतलब उतर सकता है प्रोसीज करके, या खाने पीने में कुछ अपने खान पान को ठीक करके? देखिए, चश्मा लगना उतरना अगर बहुत माइनर पावर है तो कभी कभी बिना चश्मे के लोग काम चला लेते हैं, और उसी को कहा जाता है कि चश्मा मेरा उतर गया नहीं उतरा, बहुत छोटे पावर में ये कभी कभी होता है, लेकिन आम तौर पर अगर सिग्निफिकेंट पावर है तो चश्मा पहनना बीमारी नहीं है, ये एक फिजिक्स है, और फिजिक्स को रेट्रोग्रेड नहीं हो सकता, फिजिक्स है तो है, वो चश्मा लगाएंगे, चश्मा अपना लगाएंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, और लेकिन अगर पावर ज़्यादा, इसे मैंने कहा पावर ज़्यादा हो, सूट नहीं करता हो, शादी विवाह करना कॉस्मेटिक पर्पज से, तो चश्मा हटाने का हम लोग लेज़र वगैरह करते हैं,
लेसिक लेजर से चश्मा हटाने की सर्जरी की जा सकती है, जिसमें हम पुतली के आकार चेंज करके हम चश्मा हटाते हैं, लेकिन वैसे कंडीशन में जहाँ की पुतली का थिकनेस कम हो वहाँ ये संभव नहीं है। तो वैसे केस में हम लोग ICL लगाते हैं, ऑपरेशन करके अंदर में लेंस लगाते हैं ताकि चश्मा हटा रहे, ये होता है। लेकिन फिर ग्लासेस आर द बेस्ट ऑप्टिकल करेक्शन, अगर चश्मा लगाएं सबसे बेहतर है। ग्रेट डॉक्टर मेहता, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन था डार्क सर्कल है, क्योंकि डार्क सर्कल बहुत लोगों को हो जा रहा कम एज में, और इससे बहुत एम्बेरस फील होता है। हम अपने दोस्तों के साथ या कहीं पार्टी में जाते हैं, इसके लिए छुपाने के लिए हम बहुत से प्रोडक्ट का यूज करते हैं, ऑनलाइन मंगाते रहते हैं बहुत से ब्रांड का, पर इसका मेन रीज़न क्या होता है और इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए? डार्क सर्कल ज़्यादातर ये नेत्र विशेषज्ञ का डोमेन नहीं है, लेकिन लोग हमारे पास आते हैं। लेकिन अब इसे कोई खान पान का नहीं किया, बहुत डाइटिंग की, एक तो कभी कभी डार्क सर्कल्स फैमिली में रन करते हैं, उनके फैमिली में रन करता है उनके भाई बहन को होगा तो उसे भी होगा, तो उसके लिए लोग कहते हैं वहाँ खीरा लगाओ, अंडा राइस क्रीम लगाओ, वो तो आप लोग जानते हैं कितना कारगर है कितना नहीं है, नहीं कर सकते हैं। डार्क सर्कल अब जो करते हैं, खान पान ठीक रखे, कोई अगर विटामिन रखे तो कमजोरी के कारण जो डार्क सर्कल होता है उसका सर्कल डार्क सर्कल नहीं होगा। अब डाइटिंग कर रहे हैं तो होश आवास में पानी पी रहे हैं तो पानी पी रहे हैं, खान पान अच्छा, सोना, डी स्ट्रेस रहना, योग प्राणायाम करना, ठीक रहेंगे, डार्क सर्कल नहीं होगा। अगर हुआ कुछ कारण से तो बाकी अपने क्रीम वगैरह होते हैं, उसके बाद भी हुआ तो ठीक है, हमारा वही ब्यूटी है। सही बात है, उसी के साथ हम खुश रहेंगे, उसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। डॉक्टर, मेरा अगला क्वेश्चन था कि मोतियाबिंद अगर किसी को हो जाए तो क्या करनी चाहिए, और मोतियाबिंद के लिए मौसम का अनुकूल होना जरूरी होगा क्या? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर नेत्र क्षीणता, दृष्टि क्षीणता का कारण है तो उसमें एक प्रमुख कारण है मोतियाबिंद। आमतौर पर ये एलडी लोगों में होता है, 50 प्लस या 40 प्लस, लेकिन आजकल के 40-50 प्लस में लोग भी तो किसी उम्र में यंग ही रहते हैं, इसलिए आजकल वो बातें नहीं, लॉन्जेविटी बढ़ गया। तो मोतियाबिंद का एज कम एज में भी हो सकता है, बिल्कुल, और होता ही है, होता ही है। तो कुछ तो चोट लगने के कारण, डायबिटीज के कारण जल्दी होने लगता है, किसी के अगर हेरिडिटरी हो तो जल्दी होने लगता है, वैसे मोतियाबिंद लोग को होता है। मोतियाबिंद में लेंस जो हमारा है, वो जो लेंस ट्रांसपेरेंट होता है जिससे हम देखते हैं, जैसे वो कैमरा है ना, आँख भी एक प्रकार का कैमरा है, कैमरा में भी लेंस होता है, हमारे आँख में भी लेंस होता है। वही लेंस जब ओपेक हो जाए, ट्रांसपेरेंट नहीं रहे, रेज नहीं जा सकता है, तो वो कैटरेक्ट हो गया, मोतियाबिंद हो गया। इसका इलाज एक ही है, ऑपरेशन। हालांकि अब विज्ञान के प्रगति करने पर अब जो ऑपरेशन बड़े साधारण हो गया है, फेको विधि आ गई है, माइक्रो फेको विधि, जो सूक्ष्म चीरा लगा के हम फेको मशीन डाल करके उसके अंदर से वो लेंस निकाल देते हैं और फोल्डेबल लेंस अंदर में करके डाल देते हैं, ताकि व्यक्ति को जल्दी दिखने लगता है, वो जल्दी वो काम धाम करने लगता है, और सेफ्टी बढ़ जाता है, रोशनी भी अच्छी आती है। और मोतियाबिंद से गई भी रोशनी वो वापस लौट के आ जाती है, इसलिए मोतियाबिंद अगर हो तो घबराना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आँखों में रोशनी कम हो एक सर्टेन के बाद, तो आप में चिकित्सक से मिल ले और उनकी सलाह माने, अगर ऑपरेशन जो हो तो करा ले, आपको कोई घबराने की जरूरत। तो मौसम का इसमें क्या, ठंडी में ही बस करा, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि आपको ठंडी में ऑपरेशन करा। हाँ, ये बात आपने सुनी, बहुत बढ़िया कहा। तो सबसे ज़्यादा अगर आँख का ऑपरेशन होता है मोतियाबिंद का, तो वो मद्रास में होता है, आप जानते होंगे शंकर मित्रालय चेन्नई सबसे हमारा बड़ा है, वहाँ तो सालों भर गर्मी रहता है साउथ में, तो वहाँ के लोगों को तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना ही नहीं चाहिए। कैसे होगा, वहाँ तो गर्मी है सालों भर, यही आपका जवाब छुपा है। ऑपरेशन करने के लिए कोई ज़्यादा गर्मी की बात नहीं है, ये नैरेटिव इसलिए बना कि एक ज़माने में जब था तो बूढ़े लोग को लोग गांव में छोड़ते थे, उनको लेके ऑपरेशन के डॉक्टर के पास नहीं लेके आते थे, तो वो बूढ़े भी देख सकें इसके लिए डॉक्टर चिकित्सक उनके द्वार जाता था, और वहाँ कैंप लगा के गाँव में उसको ऑपरेशन करा के उन वृद्ध लोगों को हम नेत्र की दान, नेत्र रोशनी प्रदान किया करते थे। अब तो कैंप इसलिए कम हो गया ना, क्योंकि अब तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया लोगों में, वृद्ध लोग के लिए रेस्पेक्ट बढ़ गया, तो वो हॉस्पिटल आते हैं, हम लोग ऑपरेशन कर देते हैं। तो ये जो कैंप लगता था, तो चिकित्सक अपने सुविधा के लिए वो जाड़ा में लगते थे, गर्मी में कहीं जाना, गाँव में जाकर के बिना बिजली बत्ती दिए ऑपरेशन करना मुश्किल होता है। तो पहले के समय में कैंप चूंकि जाड़ा में होता था, तो ये नैरेटिव बन गया कि जाड़ा में ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो सकता है, ऐसी बात नहीं है।
जाड़ा गर्मी, मैं सब में होता है और हम लोग के यहाँ ऑपरेशन है, बगल में हमारा संजीवनी आई हॉस्पिटल है, उसमें जाड़ा में भी आप आइएगा, बगल में तो है और गर्मी में भी आइएगा, ऑपरेशन होता रहेगा। डॉक्टर आप, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं और आपने आई स्पेशलिस्ट बनने का फैसला क्यों लिया, क्योंकि हर किसी के कुछ बनने के पीछे कोई मोटिव होता है। देखिए मैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हूँ, मैंने MBBS दरभंगा से किया और PG किया, MS किया मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जो गुरु नानक आई सेंटर, हमें लगता है कि एशिया का वन ऑफ द बेस्ट आई इंस्टीट्यूट है, वहाँ से किया हमने। उसके बाद लेडी हार्डिंग दिल्ली में सीनियर रेजिडेंट था, उसके बाद मैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो आँख आई विभाग है उसका मैं फाउंडर डॉक्टर था, पहला डॉक्टर, और वहाँ पर जाके आई डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया, और वहाँ जब कार्यकाल पूरा हुआ उसके बाद में जाकर मैं अपने प्राइवेट प्रैक्टिस करना शुरू किया और जनता की सेवा में मैं लीन हो गया। आज मैं उसी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर हूँ, IMA बिहार का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, आई के बिहार ऑप्थेल्मिक सोसाइटी का इमीडिएट पास सेक्रेटरी हूँ, और इसके साथ ही हम देखेंगे तो एक मेंबर एथिक्स कमेटी बिहार मेडिकल सब काउंसिल का मैं मेंबर हूँ, बिहार मेडिकल काउंसिल का भी मैं मेंबर हूँ, सामाजिक रूप से सक्रिय हूँ, राजनीति में भी रहता हूँ, जदयू के प्रवक्ता हूँ, तो एक हर जगह सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी है, और सामाजिक जीवन का ही अंग है, चिकित्सक अगर सामाजिक नहीं होगा तो समाज को पूरी तरह से फायदा नहीं उठा सकता है, नहीं दे पाता है, क्योंकि हम समाज से जुड़े हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, और हम हमेशा आपके चैनल पर आके हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू डॉक्टर हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, और आप बहुत अच्छा से एंकरिंग करती हैं, कंफर्टेबल करा के करती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मुझे भी आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील हुआ। तो ये थे डॉक्टर सुनील, जिन्होंने हमें बताया कि हमें अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। डॉक्टर सुनील ने हमें बताया कि हमें आंखों का देखभाल और उनकी रक्षा कैसे करनी चाहिए। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द HT न्यूज। हेलो हेलो हेलो, जी हाँ, हेलो के साथ ही दिन की हो जाती है शुरुआत। हेलो, दिन की शुरुआत के साथ ही मोबाइल फोन की घंटी बजनी शुरू हो जाती है और शुरू हो जाता है हेलो का सिलसिला। इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हेलो डॉक्टर, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपकी समस्या का हम करेंगे समाधान। बात चाहे एलोपैथिक की हो या होम्योपैथिक की, बात चाहे आयुर्वेदिक की हो या फिर यूनानी पद्धति की, हेलो डॉक्टर से हम करेंगे आपके स्वास्थ्य की समस्या का समाधान, जिसमें शामिल होंगे बिहार झारखंड के प्रसिद्ध डॉक्टर जो देंगे स्पेशल टिप्स। तो हो जाएंगे तैयार। सोमवार से शुक्रवार देखिए शाम 5 बजे द HT न्यूज़ पर। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।